अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और ये डेकोरेशन देख के आप समझ ही गए होंगे कि कशफ का बर्थडे है, क्योंकि उसने पहना हुआ है क्राउन। वैसे टाइम था काफ़ी बर्थडे के लिए, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी, बहुत ज़िद कर रही थी। तो हमने बोला कि पहन ही लो और इन्जॉय कर लो। तो बस डेकोरेशन चल रही है और हम लोग देवरानी जेठानी खाना बना रहे हैं मिलके, और जल्दी से फिर केक कटिंग का टाइम हो जाएगा। इस डे में ना मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, और मैं क्योंकि अपनी वीडियो खुद बनाती हूँ और कोई नहीं होता है, सो बहुत ही कम रिकॉर्डिंग मैंने की। और आप केक देखो, कितना सुंदर केक है। वैसे लड़कियों के लिए ना हर चीज़ में बहुत ऑप्शन होते हैं, चाहे कपड़े के लिए हो, चाहे केक के लिए हो, चाहे कुछ भी हो, ऑप्शन इतने होते हैं कि इंसान बस सोचता ही रह जाए। और सब मेहमान आए हुए थे काफ़ी, सब लोग, और सबसे मिलना जुलना हुआ, अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा डे था। और कश्यप तो बहुत प्यारी लग रही थी और इतनी खुश थे ना, और आगे मैं उसकी बातें आपको सुनाऊंगी, आप खुद दंग रह जाओगे उसकी बातें सुन सुन के। बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है। यहाँ पे मैं केक कटिंग कर रही हूँ क्योंकि सबको देना है। और आगे देखो, ये दो फ्रेंड्स लोग दुनिया जहाँ से बिल्कुल अलग है, अपने आप में बिजी है, इन्हें कोई मतलब नहीं है कि कहाँ कोई क्या कर रहा है। बस एक एज के होने से ना यही फ़ायदा होता है, कहीं भी आप जाओ ना और अपने एज का कोई मिल जाए ना, तो बस इंसान उसी में बिज़ी हो जाता है। और ये मेरे को बहुत प्यारी लगती है, और जब भी मिलती है ना बहुत इखलाक से मिलती है, तो बहुत प्यारी लगती है ये बच्ची मुझे। सब मेहमानों के जाने के बाद ना यहाँ पे ये लोग कुछ गिफ्ट जो है ओपन कर लिए थे, और उसमें एक टेंट भी था, तो उसे ये लोग बना रहे हैं, और इसके अंदर अब जाके ना ये लोग खेलेंगे। हम लोग काफ़ी टाइम तक वहाँ पे रुके थे, लगभग 2 बज गए थे हमें रात में, जब हम घर वापस आए ना तो लगभग 3 बज रहा था। तो ये डैडी का रूम है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये गन, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। मेरे जो फादर इन लॉ है ना, वो स्पोर्ट्स ऑफिसर रह चुके हैं, तो काफ़ी देख सकते हो आप, ट्रॉफी है उनके नाम की। अब आगे आपको मैं सुनाऊंगी कश्यप की बहुत ही प्यारी प्यारी मीठी मीठी सी बातें, जिसे सुन के ना आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। इसको अगर ऊपर करोगे तो ये लॉक रहेगा, और नीचे करोगे इसको जोर से, इसको दबाओगे तो खुल जाएगा। अब आप इसको स्कूल लेके जाओगे? कल तो मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। हाँ, तो इसके बाद तो लेके जाओगे ना? हाँ, क्योंकि मैं इसमें से पहले पूरा सामान रखूंगी। दिखाओ। बेबी सब रखी, रख भी लिए सब कुछ। और क्या गिफ्ट है भाई, दिखाओ। और ये जब ये वाला पाउच जब पुराना होगा, हाँ, टूट जाएगा, तो ये इसको यूज करूंगी। अच्छा, तो इसको नया का नया रख दो आप, है ना, संभाल के। ये देखो, ये ऐसे रहेगा। ये देखो, यहाँ पे कुछ भी रख सकते, कलर वाली पेन और सब अलग रख सकते, और यहाँ पे कुछ भी रख सकते। ये जो है इसको, ये जो दिख रहा है, इसको ऐसे खोल के, इसको निकाल के, ये ब्रश है, इसको ऐसे गीला करके कर सकते हैं ड्राइंग। हाँ, कौन दिया ये? ये मुझे पता नहीं किसने। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा गिफ्ट कौन सा अच्छा लगा? मुझको तो ये और ये दोनों। हाँ, दोनों पाउच अच्छे लगे, और बॉटल अच्छी नहीं लगी? ना, और ये भी अच्छा लगा। कलर्स क्या बेटा? किसको? इसको मेकअप नहीं, मेकअप ये मेकअप नहीं है, इसको मेकअप से भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। कैसे मेकअप करते? अगर कोई भी पेंट लगा के कैसे करते, कहाँ पे लगाते? वो कहीं पे भी लगाते। अरे, तो कहाँ, फेस पे लगाते हैं? फेस पे कहाँ पे लगाते हैं? मुंह में। अरे दिए। अरे अरे दे ना। एक किन दिखाओ। हाँ। एक साइड मार्कर है, एक साइड स्केच पेन है। अच्छा, ये क्या है कश्यप? टमाटर। मैं इसका नाम टेडी रखती हूँ।
और वो क्या है जो आप पकड़े हो? ये इधर से स्केच है ये। ओ शिट, चलो उठाओ। क्या हो गया, क्या हो गया कश्यप? गिर गया। ये क्या है? खिलौना। खिलौना? खिलौना की खिलौना टॉयज। तो कश्यप आप कितने साल के हो गए हो? तो 7 साल की हो। इंग्लिश में तो बोल दो। आई एम, बोलो। अरे बोलो ना। आई एम 7 इयर्स ओल्ड। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत छोटा सा व्लॉग था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और मिलूंगी मैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।